वेलकम टू आपका मनपसंद प्रोग्राम रिच एंड फेमस, जहां हम आपको मिलवाते हैं रिच एंड फेमस लोगों से। और आज हम मिलेंगे मशहूर उद्योगपति और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक से, मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा। तो चलिए मैं आपको ले जाती हूँ उनके दिल्ली के पास बने शानदार बंगलों पे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा से। नमस्कार। आज हम आपसे वो बातें जानना चाहते हैं जो दुनिया नहीं जानती। अगर सबके सामने बताने की होंगी तो जरूर बताऊंगा। ओके, सबसे पहले हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। एक बेटा है, बहू है, एक पोता है और कुछ रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं। मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। आओ भाई आओ। मेरा भी। बैठो। ये है मेरा बेटा रंजीत। हेलो। नमस्कार। ये है मेरी बहू आशा। नमस्ते। नमस्ते। और ये है रंजीत के साले साहब पंकज और उनकी पत्नी कंचन। नमस्ते। और बाकी सब मेरा स्टाफ है। नमस्ते। मल्होत्रा साहब, जनरली देखा गया है कि जॉइंट फैमिली में अनबन रहती है। आपकी फैमिली के सुख और शांति का रहस्य क्या है? सिंपल सी बात है जी, बिजनेस मेरा बेटा संभालता है और उसमें उसकी मदद करता है उसका साला, और घर का मोर्चा संभालती है बहू और उसमें उसकी मदद करती है कंचन, और इन सबको संभालता हूँ मैं। मेरा मतलब है घर का कोई भी काम हो एक फोन से करा देता हूँ मैं। मेरी पहुँच ऊपर तक है। सेंटर का हर मिनिस्टर, हर सेक्रेटरी के साथ मेरे रोज का उठना बैठता है। बड़ी बात नहीं करता हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। घर का कोई टीवी खराब हो जाए ना तो ये किसी मैकेनिक को नहीं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को फोन करता है। ये पप्पू है, हमारे पुराने मुनीम जी का बेटा। बचपन से हमारे यहाँ ही पला है, मेरे बेटे जैसा है जी। और आपका भी मिनिस्टर को काम हो तो बता दीजिएगा, मुझे एक झटके में करा दूंगा मैं। हाँ, गलत मत समझिए, ये इसकी आदत है। अच्छा, ये सही कह रहे हैं। अरे भाई क्या बात है, कोई टीवी सीरियल की शूटिंग वूटिंग चल रही है क्या? हाँ, सिर्फ विलन की कमी थी। आओ बैठो बैठो। ये डॉक्टर बलराज है। कहने को तो मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन किसी दुश्मन से कम नहीं। घी, शक्कर, नमक सब पर राशन लगा रखा है और जासूसी के लिए पप्पू को छोड़ रखा है। अरे अगर ये सब कुछ नहीं करता प्यारे तो अब तक तुम भगवान को प्यारे हो गए होते। हाँ, 515 तो बीमारियां। अरे क्या कर रहा है? कैमरा चालू है यार। ओह आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, बहुत बहुत तो ठीक है ना मेरा। अच्छा मल्होत्रा साहब, अब एक आखिरी सवाल। आपकी फैमिली इतनी हैप्पी है, आपकी लाइफ इतनी सक्सेसफुल है, अब क्या आपके मन में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसका पूरा होने का आपको इंतजार है? हाँ, इंतजार है एक साथी का। क्या आप इस उम्र में शादी के बारे में सोच रहे हैं? शादी? अरे नहीं भाई, मुझे तो अपने पड़पोते का इंतजार है जो मेरा खिलौना होगा, इस छड़ी की जगह मेरा सहारा बनेगा और मेरे बाद मेरा नाम जिंदा रखेगा। ओह सो स्वीट। और ये इंतजार कब खत्म होगा? जब मेरा पोता राज अपने सर पर सेहरा बांधने के लिए राजी हो जाएगा। फिलहाल तो अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए बाहर गया हुआ है। Excuse me, excuse me. हाँ? Oh. जी, आज आपने फंक्शन में बहुत अच्छा डांस किया। हाँ, आप कुछ कह रहे थे ना? जी, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पे क्या है। थैंक यू, सब ये कहते हैं। नो बेटा। ओके, बाय बाय। भाभी ये लीजिए अपने बेटे को। क्या कह रहा था वो? हाँ। वो कह रहा था कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पे गया। वो सोच रहा था कि बच्चा मेरा है। हाँ। अरे छोटू। हाँ? देखो इसमें पानी नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? क्या हो रहा भैया? हाँ? काम नहीं कर रहे हो, काम चोर कहीं के हैं? गप्पे लड़ा रहे हो? अरे पप्पू भैया, हम गप्पा नहीं लड़ा रहे हैं, ये में पानी नहीं आ रहा, कुछ अटक गवा। तू घास काट में, पानी नहीं आ रहा है। राज। किसको फोन कर रहे हो? इरिगेशन मिनिस्टर को फोन लगा रहा हूं। पानी नहीं आ रहा पाइप में। अरे प्लम्बर को फोन करो ना। अरे छोटे मोटे काम के लिए प्लम्बर को क्यों बुलाया है? ये इरिगेशन मिनिस्टर क्या के लिए? इरिटेशन के लिए। करेक्ट। अरे ओके। पूरे परिवार में यही मुझे पहचानता है। पानी तेरी। देखा फोन लगा ने पानी आ गया, इसे कहते हैं पावर। आए फिर पानी बंद होगा। अरे पप्पू भैया हाँ। पानी बंद होगा। अबे बार बार फोन करो, तेरे बाप का ना करो। मैं ये ले। माँ राज मेरा बेटा आ गया। कैसे हो बेटा? ठीक हो। कैसी रही तेरे दोस्त की शादी? माँ उसकी तो लाइफ ही बदल गई है। तेरी लाइफ ही बदल जाएगी तो शादी के लिए हाँ तो बोल। दीदी बराबर कहती है तो शादी के लिए हाँ कर देना। मैं इसमें इतनी जल्दी फंसने वाला नहीं हूँ। वेलकम होम राज। कैसे हो बेटा? कैसे हो डैड? जीते रहो। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? फर्स्ट क्लास। अरे अच्छा वो तुम आ गए। देखो एक काम करो, तुम फौरन सिंगापुर चले जाओ और वहाँ पता करो हमारी शिप अभी तक वहाँ से क्यों नहीं निकली है। यहाँ के डीलर सब सर पे चढ़ रहे हैं। ओ बिजनेसमैन, तू कैसा बाप है रे? अभी बेटा घर आया नहीं कि तू उसे फिर से घर से बाहर भेज रहा है। जब देखो इस बेचारे को विदेश भेजने की बात करता रहता है। बाबूजी किसी न किसी को तो भेजना ही पड़ेगा। अरे तो किसी और को भेज देना। पंकज तुम ही चले जाओ। अरे फिर यहाँ का काम कौन? माल है ना। आजा आजा। लेकिन कहीं चोरी पकड़ी गई? डरता क्यों है? चोर वो जो पकड़ा जाए। दादा और पोते में इशारेबाजी जरूर है, कोई तिकड़मबाजी। ला माल निकाल। दादाजी लेकिन सिर्फ एक। हाँ सिर्फ एक। अरे वाह लड्डू, तेरे प्यार की तरह मीठे और मेरे दिल की तरह नरम। शायरी मत कीजिए, जल्दी खाइए, बड़ा रिस्की मामला है। चाहे कहीं से भी दरवाजा बंद कर लो लेकिन मास्टर की मैं रखता हूँ। ये क्या हो रहा है? चोरी चोरी मिठाई खाई जा रही है। कितनी हाई डायबिटीज है और वो भी 320। बाबूजी आपके लिए मिठाई को हाथ लगाना भी पाप है। दिन भर दवाई खाते और साथ में मिठाई भी। और डांट हमका पड़ा था कि हम खा गए सारी मिठाई। बाबूजी अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल तो क्या कीजिए। अरे बस करो यार, एक कमजोर बीमार बूढ़े को देखकर सब शुरू हो गए। अरे पहले ये तो पूछो कि मैंने मिठाई मंगवाई क्यों है? क्यों? क्योंकि राज ने हाँ कर दी है। हाँ कर दी? किसके लिए? शादी के लिए। अरे भाई क्या कर रहे हो? वो थका हुआ है, उसे आराम करने दो। मैं इससे बात करता हूँ, मैं आके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये लो मिठाई और जाके मुंह मीठा करो। कैसे दादाजी हैं आप? क्यों? अरे अपने आप को बचाने के लिए आपने मुझे फंसवा दिया। और तू कैसा पोता है रे? अरे अपने दादा की इज्जत बचाने के लिए तो पोते जान तक दे देते हैं और तू शादी करने तक की हानि कर रहा है। हा? देख बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मल्होत्रा वंश आगे कैसे चलेगा? दादाजी ये परिवार ऐसा है ना, इतना प्यार इस परिवार में, एक गलत लड़की आएगी और सब कुछ बर्बाद करके चली जाएगी। तो तू क्या समझता है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लेके आऊंगा? फिर भी मुझे शादी वादी नहीं करनी। I'm sorry. सॉरी के बच्चे, मैं भी तेरा दादा हूँ। देखता हूँ तू शादी कैसे नहीं करेगा। और मैं भी आपका पोता हूँ। छोड़ो। मुंह खोलो। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। और ये लड्डू भी है ना, शुगर फ्री हैं। खाओ। Good morning, good morning. Please sit, please sit. Good morning, good morning. Miss Barucha. Hi, handsome. अजय गनो सज्जो लागेज। Miss Barucha, मैंने आपको कितनी बार कहा है? हाँ, कि अब तक मेरी शादी हो जाती और दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी होते, पर अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है। But that's okay, मेरी भी नहीं हुई। हाँ, न समझ। जब तक मुझे तेरे जैसा अच्छा और हैंडसम लड़का नहीं मिलता, मैं शादी करने वाली भी नहीं। और करना भी नहीं, मिस बरूचा। ओके? ओके यार। तू क्या देखता है? तुम अपने काम करो ना। हेलो बेटा राज, मैं डॉक्टर बलराज बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर दादा। बेटा तुम फौरन मेरे नर्सिंग होम में चले आओ, तुम्हारे दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन सुबह को तो ठीक थे। अरे बेटा इस उम्र में तबीयत का क्या है, कभी भी खराब हो सकती है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके। वो आ रहा है। हेलो माँ, डॉक्टर दादा का फोन आया था। वो तो अभी यही थे। दादाजी का रूटीन चेकअप किया और फिर वो दोनों घूमने गए। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं माँ, ठीक है बाय। ऐसी एक्टिंग करना कि एकदम रियल लगे। अरे तू फिकर मत कर कैलाश, तू तो जानता है कि कॉलेज के जमाने में एक्टिंग में फर्स्ट आया करता था। हाँ दादाजी राजा गया, ओह माय गॉड, दो इंजेक्शन देने के बाद भी तेरी नब्ज नॉर्मल नहीं हो रही। और भी ऐसी कौन सी चिंता है जो तुझे खाई जा रही है? तेरे पास अभी भी 1 साल की जिंदगी है। अरे 1 साल में तो इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताइए ना, मैं पूरी करूंगा आपकी ख्वाहिश। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि ऊपर जाने से पहले अपने पड़पोते का मुंह देख लो, लेकिन राज को अपने दादा से नहीं, अपनी आजादी से प्यार है। अरे आंखें खोलो कैलाश, देखो राज आया है। राज तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादा। वाह 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 वाह, सूट बूट पहनकर आप हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे हैं। वो तो मुझे इमरजेंसी में लेटना, और इमरजेंसी में इतनी बुरी एक्टिंग भी करनी पड़ी आप लोगों को, है ना? और डॉक्टर दादा आप भी इसमें शामिल हैं। अरे भाई मैं क्या करता, तुम्हारे दादा ने मुझसे ये मजाक करवाया है। दादाजी क्यों करते हैं आप ये सब? आपको मालूम है कि आप मेरे लिए कितनी कीमती हैं। कीमती हो ना, तो फिर मेरी बात मान ले। बोल कब चलता है लड़की देखने के लिए? जवाब दे। जब भी आप कहेंगे। प्रिया, लगता है वो लोग आ गए। आइए 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 मल्होत्रा साहब। नमस्ते कपूर साहब। कपूर साहब, ये मेरा पोता राज है। हेलो। और पप्पू को तो आप जानते ही हैं। जी, मेरा अच्छा, ये तो वही है जिसे मैं सुमन की शादी में मिली थी। मैं तुम दोनों को वहाँ देखकर सारी सिचुएशन समझ गई थी, इसलिए तो ये रिश्ता हमने मांगा है। हम तो पहले ही आपकी बेटी को देखकर पसंद कर चुके हैं। आज तो उसे राज को दिखा रहा था। आओ बेटी आओ आओ। जी उम्र में कुछ बड़ी नहीं लगती आपको? क्या बात कर रहा है, मैंने जन्म पत्री देखी है इसकी, उम्र एकदम बराबर है। लगता है दादाजी ने बिना चश्मे की कुंडली देखी है। इसके गाल देख कितने मोटे हैं। अरे वही तो सुंदरता की निशानी है, उसकी हंसी देखी कितनी सुंदर है। इससे तो अच्छी मुझे बाजू वाली लगती है। एक बच्चे की माँ है वो, तो ये 4 बच्चे की माँ दिखती है। नहीं क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल लगती नहीं। हाँ बेटे, अगर तुम्हें इससे कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ हाँ कुछ पूछना है तो पूछ ले। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं तो 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, लेकिन ये डबल ग्रेजुएट है। घर के सारे कामों में बहुत होशियार है। ये समोसे कचौरी पकोड़े मिठाइयाँ सब इसी ने बनाए हैं। इसका मतलब इसको कुछ नहीं आता। अरे इतना सब कुछ तो आता है, और क्या चाहिए तुझे? ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है? वो अभी भी आपकी तरफ ही देख रहा है। तैयार रहिए, एक और सवाल पूछेगा। आपकी हॉबीज क्या क्या है? बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, स्विमिंग, म्यूजिक, ये सब इसकी मेन हॉबीज हैं। इनकी तो आदत है दूसरों की तारीफ करना। ये तो खुद गोल्ड मेडलिस्ट है कबड्डी में। कबड्डी में? अब बेटी मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। ये बताओ कि घर संसार सुखी रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्यार है। घर में लोग ज्यादा हो या कम, हर एक को अगर एक दूसरे के साथ प्यार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। वाह कितने सुंदर विचार हैं इसके। अरे इनके सुंदर विचार का क्या अचार डालना है, इसके सुंदर विचार पूछो ना। हाँ? अरे इसकी भाभी के विचार पूछ कर क्या करना तुझे? भाभी? हाँ। चुप हो जा बेटे, पौरानी आपका बेटा रो रहा था। अच्छा 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 मेरा बेटा, सुना सुना बेटा क्यों रो रहा है? बधाई हो कपूर साहब, राज को लड़की पसंद आ गई है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बस अब आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए। हाँ जी जरूर जरूर, क्यों नहीं, आप खाएंगे। डॉक्टर अंकल, प्यार में और फोटोग्राफ में कोई फर्क नहीं है। देखिए कैसे दोनों अंधेरे में डेवलप होते हैं। अरे ये राज की तस्वीर किसने निकाली? देखो देखो तो। मैं तस्वीर मैंने निकाली है, और जब मैं तस्वीर ले रही थी ना, राज को पता भी नहीं था। ऐसा लगता है तुम दोनों को स्विट्जरलैंड बहुत पसंद आया है। अगर ऐसी बात है तो तुम और राज वहाँ 1-2 साल के लिए सेटल डाउन क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल नहीं, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अब तक तो बेटे को विदेश भेजने की फिक्र में थे, और अब बहू को भी नहीं। अरे तुझे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था ना, तो रो रो के बेहाल हो गया था तू। बाबूजी आप भी। अरे दादाजी आप मुझसे कहते फॉरेन मिनिस्टर से कहलवा करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच यहाँ खुलवा देता मैं। अबे गधे, तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। राजपूत। हेलो, ठीक है, हेलो एक सेकेंड। मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके किसका फोन था जो तुम्हें मुझसे दूर जाके बात करनी पड़ी? देखो राज, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बोलो क्या बात है? तुम सही कह रही हो, पहले मैंने सोचा था तुमसे ये बात छुपाऊंगा, लेकिन ये बातें कभी छुपती नहीं है। अगर तुम्हें ये पता चले कि मेरे प्यार का कोई और भी हिस्सेदार है, तो तुम क्या करोगी? अपनी जान दे दूंगी। राज, तुम क्या किसी और से प्यार करते हो? करता नहीं हूं, करना शुरू करूंगा। क्या? डॉक्टर दादा का फोन आया था, रिपोर्ट पॉजिटिव है। प्रिया तुम मां बनने वाली हो। क्या मैं परदादा बनने वाला हूँ? झुक जियो, झुक जीते रहो। अरे बंसी, अरे बंसी, ये जाकर गरीबों में बांट दो। अच्छा बहू, आशा जी, बाबूजी मुबारक हो बहू, तुम दादी बनने वाली हो और मैं परदादा बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे छोटू, भगवान ने मेरी सुन ली। जीती रहो बेटी, भगवान तुझे मेरी उम्र दे दे। क्या हुआ बाबूजी? रंजीत, तुझे मेरी पोजीशन मिलने वाली है। क्या? दादा बनने वाला है और मैं परदादा बनने वाला हूँ। मुबारक हो, मुबारक। पप्पू, मैं परमामा बनूंगा। मैं परपप्पू बनूंगा। मैं परमामा बनूंगा। दादा जी मुबारक हो। आज पहली बार मैंने इस घर में इतनी खुशी देखी, सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू। थैंक्स टू यू। लव यू। कैलाश मुबारका, मुबारका 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 मुबारका। बच्चू तू भी क्या याद करेगा? ये देख आज मैं मिठाई लेकर आया हूँ, खुद भी दबाकर खाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। नहीं बलराज, आज से मिठाई बिल्कुल बंद। अब तो मैं जीना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरी छड़ी आ रही है, अब तो मैं सब कुछ वही करूंगा जो तू मुझे करने के लिए कहता है। क्रिकेट, टेनिस, जॉगिंग। अरे छोटुआ देख, बड़े बारीक सालन बाद टहले निकले हैं, वो भी बिना छड़ी के। ये तो बहू रानी का कमाल है। दादाजी जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे रिश्ते की बात आपके फैमिली में चल रही है तो मैं तो बहुत डर गई थी। क्यों? मैंने आपकी एक तस्वीर अखबार में देखी थी और मैंने सोचा कि जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूंछें हो वो तो एकदम हिटलर जैसा और स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी होगा और मुझे आधे हाथ का घूंघट निकाल के रहना होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आप तो बड़े मॉडर्न हो। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आप राज के नहीं मेरे दादाजी हैं। माँ जी, अब की बार हमारे बगीचा में जबरदस्त फसल हुई है। एक एक पेड़ में 100-100 किलो आम लगा है। अरे तू आम तोड़ रहा था, झगड़ा बंद करो और ये काम करो। ये शर्मा जी क्या जाएगा उस टोकरी में डालो। ओके। और भाभी डॉक्टर कुमार के लिए उस टोकरी में डाल दीजिए। जी ये लीजिए। अरे अरे क्या कर रही हो बेटी, मैंने कई बार कहा है ना ऐसे समय में कोई भारी चीज नहीं उठाते। ये कच्चे आम निकाल दीजिए। अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं शॉपिंग करने गया था। किसकी? महाराणा प्रताप की। मेरा मतलब है महाराणा प्रताप के फोटो की। क्यों? इसलिए कि 6 महीने की एक्सपेक्टिंग मदर जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा दिखती है उसके गुण बच्चे में आ जाते हैं। और ये महाराणा प्रताप की तस्वीर प्रिया के कमरे में अगर हम लगाएंगे तो बच्चा भी महाराणा प्रताप की तरफ बहादुर होगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बच्चा अगर महाराणा प्रताप की तरफ बनेगा तो पूरी जिंदगी जंगलों में भाला लेकर लड़ता रहेगा। हमें बच्चे को तो क्रिकेटर ही बनाना चाहिए। अरे क्रिकेटर बन के क्या करेगा, बेकार किसी मैच फिक्सिंग में फंस जाएगा। हमारे बच्चे को तो देश का बहुत बड़ा नेता बनाना चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। इसलिए प्रिया के कमरे में। हाँ क्या हुआ, सो गए? नहीं मैं सोच रहा हूँ किस नेता का फोटो लगाऊं। बड़ी बात छोटे मुंह से बोलो। बोल। आप तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाँ। बहुरानी के रूम में किसी फिल्म के हीरो का फोटो लगाइए। वो नेता का रोल कर सकता है, क्रिकेटर का रोल कर सकता है और वो महाराणा प्रताप का भी रोल कर सकता है। वेरी सिंपल। नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता। नेता का फोटो महाराणा प्रताप, सचिन तेंदुलकर, नेता महाराणा प्रताप, सचिन तेंदुलकर। खामखा झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहले प्रिया बेटी से तो पूछ कर देखो कि वो किसकी तस्वीर लगाना चाहती है। हाँ हाँ बेटी बोलो। आप लोग मेरे लिए इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो अपनी पसंद की फोटो पहले ही लगा चुकी हूँ। किसकी? please. Oh, come on, Pappu. Pappu, Priya, sabash. Come on. Come on. Baga, Pappu, baga. Come on, Pappu. Very good, very good. Come on. Yeah. I go. Arey, pakad bansi. Catch it, catch it, catch it. Arey, come on, dude. Oh shit. क्या बंसी? You are out. Out किस दादाजी? ये तो 6 था. Out मतलब out. ये क्या बात हुई? दादाजी is cheating माँ. It's not fair. Not fair. बरखुरदार ये हमारे खानदान का रूल है कि जो डायरेक्ट बाउंड्री से बाहर गया वो out. लाओ बैठ दो मुझे. अच्छा ये बोली ना कि बैटिंग करनी है. हाँ हाँ बैटिंग करनी है मुझे. हाँ तू जाकर बैटिंग कर. क्या बात दादाजी? पहली बॉल में तो out हो जाओगे. अरे जा जा देखे तेरे जैसे बहुत out करने वाले. चल चल. इतना फास्ट बॉल डालता है, बैट उठाने से पहले अंदर घुस गया. मैं आउट नहीं हूँ. अरे बोलो ना आउट है. नॉट आउट, नॉट आउट. नहीं नहीं आउट है. अरे क्या कह रहा है? बिल्कुल आउट है. अरे तुम आउट कैसे मारो? बिल्कुल आउट है. ओके ओके ओके. अरे वो तू मेरा दोस्त नहीं गद्दार है. गद्दार हमारा आपस में क्या फिक्स हुआ था? हैं? अरे मैं क्या करता, ये सब कसम मेरे ऊपर चढ़ गई इसलिए मुझे आउट कहना पड़ा. व्हाट डू यू मीन आउट कहना पड़ा? फैमिली मैच सिक्स वेरी बैड. मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फोन करके बताऊंगा. अभी जाने दो यार, मैं नहीं बैटिंग करता. अब मेरी बैटिंग है. हां चल चल बॉल बोल के जाओ. आइए आइए मैडम तशरीफ लाइए. थैंक यू बाबू जी, थैंक यू. रेडी. क्रिकेट खेलना तो आता नहीं और तेंदुलकर की फोटो लगाऊंगी. अब देखिए मैं कैसे सिक्स मारेगी. आइए. बेटा 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा. 2 घंटे हो गए, कोई कुछ बताता क्यों नहीं? ये बलराज भी अंदर गया, अभी तक लौटा नहीं. क्या हुआ अंकल? सब ठीक है ना? बहू का मिसकैरेज हो गया है. बच्चा बच्चेदारी में गुजर गया. और प्रिया बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है. भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू सही सलामत है. क्या हम प्रिया से मिल सकते हैं? नहीं, प्रिया को इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया गया है. 7-8 घंटे तक उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा. मेरी राय यह है कि हम सब लोग घर चलते हैं. वैसे भी जब से एक्सीडेंट हुआ है कोई भी चैन से बैठा तक नहीं. कम ऑन लेट्स गो. आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ. नहीं आंटी, हम दोनों यहाँ रुक जाते हैं. माँ मैं यहाँ पे रुकता हूँ. लेकिन बेटी. माँ जैसे प्रिया को होश आ जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा. हाँ चलो 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 चलो. आओ कैलाश तुम भी चलो. एक माँ के लिए अपना बच्चा खोना बहुत बड़ा सदमा होता है. प्रिया को संभालना बेटा. जी दादाजी. मिस्टर मल्होत्रा, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं भी आया। ओके। आओ राज, आओ, बैठो। बेटे, मैंने तुम सब लोगों से एक बात छुपाई है। कौन सी बात? एक्सीडेंट में प्रिया का गर्भाशय फट गया था, उसमें सेप्टिक हो गया था। शरीर में जहर न फैले इसलिए डॉक्टर को उसका गर्भाशय और ओवरीज को निकालना पड़ा। इसकी वजह से अब प्रिया कभी मां नहीं बन सकेगी। मॉडर्न से मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अब उसके काम नहीं आएगी। बेटे, तुम्हें यह बात अपने घर में सबसे छुपानी होगी, क्योंकि अगर यह बात तुम्हारे दादाजी को पता चल गई, उन्हें 2 हार्ट अटैक पहले ही हो चुके हैं, तीसरा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये बात प्रिया को से पहुंचने का एक ही तरीका है कि हमारे आंसू नहीं निकले। चलें। बच्चे आ गए हैं। मुझे कोई रोना धोना और अफसोस नहीं चाहिए। सब लोग ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, समझे? जी। जाओ जाओ, अपने काम में लग जाओ। आओ बच्चों, आओ। क्या लंबी उम्र पाई है हमारी बहू ने। नाम लिया और आ गई। जुग जुग जियो। देखना बहू, साल भर में ही हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। प्रिया बेटी, दूधो नहाओ और पूतो फलो बेटी। बस। नहीं प्रिया, नहीं नहीं बेटी, रोते नहीं। अरे जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए अफसोस कैसा? हाँ, चुप हो जा। अरे बेटी, मिसकैरेज तो बहुत मामूली बात है। मेरी एक फ्रेंड को भी मिसकैरेज हुआ था, लेकिन अब वो 4 बच्चों की माँ है। क्या? फैमिली प्लानिंग के जमाने में 4 बच्चे? पप्पू, हाँ। इनकी सहेली के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस क्या, मैं तो फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर को फोन करके अभी इनकी सहेली को अंदर करवा सकता हूँ। अरे इनकी सहेली का हस्बैंड खुद फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर है। आप अंदर करवाओगे? प्राइम मिनिस्टर को फोन करो। कहाँ बैठते वो? हंसते क्या है, मैं बिल क्लिंटन को भी फोन कर सकता हूँ। क्या हो रहा है भाई? सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, किसी को बहू का ध्यान नहीं है। ये अस्पताल से आई है बेचारी। हाँ प्रिया, जाकर आराम करो बेटी। आज मैं सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाऊंगी। चलो भाभी, सामान के लिए जाना। पप्पू, बिल्कुल। अरे ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ, पंकज। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। राज, ले जाओ बहू को। तुमने अपने घर वालों की आंखें देखी है। हर आंख में एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं इस घर को वारिस दूंगी। कभी ना कभी तो उन्हें मालूम हो ही जाएगा कि हमने उन लोगों को धोखा दिया है। तब क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो। मैंने कुछ सोचा है। पता तुम्हें कैसा लगता है? हम एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा खोद लेंगे। देखो डैडी हमेशा कहते हैं ना कि बिजनेस संभालने के लिए बाहर चले जा। अगर तुम कहती हो तो हम दोनों एक डेढ़ साल के लिए बाहर चले जाते हैं और एक बच्चा गोद ले लेते हैं वहाँ पे, ठीक है? और डॉक्टर दादा को मैं समझा दूंगा। और चारा ही क्या है हमारे पास? दादाजी। आओ बेटी आओ। पेरी पे ना। जीती रहो आओ बैठो बेटी। आप रो रहे थे? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू हैं बेटी। पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि मैं परदादा बन गया हूँ। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है, बिल्कुल राज जैसा। वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान। जैसे ही मैंने उसे प्यार करने के लिए सर झुकाया, उस बदमाश ने मेरी मूंछें पकड़ ली। मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जानती हो बेटी, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। जय हो। Thank you, my love. राज, आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे? मांगना क्या, सब कुछ तुम्हारी तो है। जो मेरा है उसे किसी और को देना चाहूँ तो दे दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? आज दादाजी ने एक सपना देखा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। एक छोटा सा राज उनकी गोद में खेल रहा है। उन्हें कोई और नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। अब तुम ही बताओ, एक अडॉप्ट किए हुए बच्चे को अपना खून बताकर हम उनकी सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खेल सकते हैं? कमी मुझ में है राज, मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो। मान जाओ प्लीज राज। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ, अगर वैसा कुछ मेरे साथ होता तो तुम दूसरी शादी कर लेती। देखो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्टली ओके। आई लव यू। हाँ प्रिया। राज, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। क्यों, क्या बात है? मैं फोन पे नहीं बता सकती। एक काम करो, मैं इंडिया गेट पहुंचती, तुम भी वहां जाओ। ठीक है, मैं भी आया। क्या वो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? ये न्यूज़ पढ़ो। सरोगेट मदर। राज, कितनी किस्मत वाली होगी लड़की जो मेरी तरह मां नहीं बन सकती थी, मगर फिर भी उसे औलाद मिल गई। फर्क सिर्फ इतना ही था कि कोख किसी और की थी। तुम्हारा मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी? नहीं, हमारा परिवार इतना मशहूर है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात छुपी नहीं सकती। इसका मतलब तुम ये चाहती कि मैं? हाँ राज, अगर हमें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो हमारे बच्चे को जन्म दे सके। देखो, अगर मुझे किसी और से बच्चा पैदा करना होता तो मैं शादी के लिए इनकार क्यों करता? बच्चे अडॉप्ट करने की बात क्यों करता? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये प्यार मैं किसी से बांटना नहीं चाहता। राज, दुख तो मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन सुख की कीमत तो देनी ही पड़ती है। मैं अपने बच्चे के लिए तुम्हारा प्यार भी दूसरी औरत के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। प्रिया, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो ऐसी औरत हमें मिलेगी कहाँ? अगर मेरी किस्मत में माँ बनना है तो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। हाय हैंडसम, तेरे एनआरआई दोस्त अजय शर्मा के साथ जो हमारी कंपनी का फॉरेन मार्केटिंग का डील हो रहा है, क्या ये मेरी मदद करेगी? तो तेरा मुंबई जाने का एयर टिकट। क्या हुआ? तो कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। कुछ नहीं मिस भरूचा, आप बैठिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे तू मुझे अपनी प्रॉब्लम बोल, मैं तेरी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दूंगी। मिसेस भरूचा, ये प्रॉब्लम यूं सॉल्व नहीं होगी, इसमें कम से कम 9 महीने लगेंगे। क्या? जी, मेरा एक दोस्त है, उसको एक लड़की चाहिए। अच्छा, तेरे जैसा हैंडसम है के? हाँ, हैंडसम है, रईस भी है और वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, लेकिन सिर्फ उसको एक बच्चा चाहिए। अरे तू शादी तो हो जाने दे, फिर देख मैं एक पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर दूंगी। प्रॉब्लम यह है कि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और वो दूसरी शादी करना नहीं चाहता। क्या? बिना शादी के बच्चा? कोई प्रॉब्लम है उसमें? What nonsense! तूने मुझे गलत समझा है, मैं क्या ऐसी वैसी लड़की हूँ? नहीं नहीं मिस भरूचा, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा था बस। अरे भाड़ में जाए तेरा दोस्त और उसका प्रॉब्लम, और मेरा सब कुछ मैं अपने पति को ही दूंगी, समझा? हाँ, कैसा स्टूपिड इडियट दोस्त बनाता है जो ऐसा प्रपोजल देता है। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस राज। अब तक हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, लेकिन आज से बिजनेस का भी हो गया है। थैंक यू मिसेस कपूर। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर राज मल्होत्रा एंड मिस्टर अजय शर्मा। ये बहुत खुशी की बात है कि मिस्टर राज मल्होत्रा की कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की यूरोप में मार्केटिंग मिस्टर अजय शर्मा की कंपनी ही करेगी, और सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए इस विषय में मैं मिस्टर राज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो क्या ये मेरी मदद करेगी? मिस्टर राज, आपकी परेशानी के बारे में मुझे मालूम है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। इट्स माय ऑनर। प्रिया ये सुन के बहुत खुश होगी। राज, मिसेस कपूर अपने प्रोडक्ट के बारे में तुमसे अपनी राय पूछ रही हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट पहले लॉन्च किया जाए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं कहीं और था, नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर लें। श्योर, व्हाई नॉट। द एक्चुअल थिंग इज दैट आई एम missing my wife a bit too much today. Excuse me. Sorry. Bye. See you later, brother. Ha. कहाँ जाना है आपको? सीधा। यहाँ से लेफ्ट ले लो, बस यही रोक दो। आपका घर यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा दे रहा मुझे। अरे घर का क्या करना है, गाड़ी की लाइट बंद कर दे और इधर ही शुरू हो जा। क्या? एसी गाड़ी है, बहुत रंग जमेगा। देख, एक रात के 1000 रुपए लेती हूँ मैं, लेकिन तू चाहे तो 100-200 कम दे देना। चल। देखिए आप मुझे गलत समझ रही है, मैंने आपको देख के आपको लिफ्ट दी, मैं आपको घर छोड़ने वाला था। मतलब? मेरा मतलब है कि मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। एक मेरा दोस्त है, उसको ऐसी लड़की चाहिए जो उसके साथ 1 साल तक रहे। 1 साल के लिए? साला ऊपर से साधो अंदर से शैतान। ये स्टोरी तेरे दोस्त का नहीं है ना, तेरा ही है ना? हाँ हाँ। देख सेठ, मेरे साथ तो 2-2 पेट लगे हुए हैं, उनका कोई बाप नहीं है देखभाल करने वाला, तो मैं तो नहीं आ सकती। लेकिन एक लड़की है, दीपा बार में डांस करती है, तू उससे जाकर मिल, उसका नाम मधुबाला है, तेरा काम हो जाएगा। जा, मैं उसे फोन कर दूंगी। थैंक यू। एक ये आप रखिए। हाथ भी नहीं लगा और पैसे देता है। ये आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए। मैं दुआ करूंगी कि तेरा जो भी काम हो वो पूरा हो जाए। थैंक यू। ए मधुबाला, ला सारा माल निकाल। तेरे पे तो बहुत माल उड़ा है। ए बाकी माल कहाँ है? कौन सा माल? सीधे से देती है, मैं निकालूं। छूने का नहीं। चल निकाल निकाल। ले ये ले तेरी कमीशन। ए मीना चल जाओ। जाती है वैसे भी ये नल्ला है। चल पाउडर रानी। कहाँ से आ जाते हैं। मेरे को वैजयंती का फोन आया था कि तू आने वाला है। बोल क्या काम है? उसने आपको बताया नहीं? ये मधुबाला चलती है क्या? ए झींगे चल फुटना। बहुत भाव खा रहे लिए आज। ए तू जाता क्या? चल। हाँ बोल सेठ। यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, हम लोग बाहर जाके बात, कहीं और जाके बात करें। ठीक है, लेकिन उसका पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है चल। चलो। अरे सेठ यहाँ क्यों लाया है? तू चांदी में चल ना, वहाँ ग्राहकों की चांदी चांदी है। अरे कमरे के साथ साथ साबुन, तौलिया, बियर वियर सब फ्री मिलता है। मेरा कमरा यहाँ पे। ओह, लगता है बहुत बड़ा पाना लगा है। तुम लिफ्ट के पास जाओ, मैं चाबी लेके आता हूँ। गुड इवनिंग। अरे ये सैंडल बार बार क्यों खुल जाती है इसकी तो। क्या रे कबूतर, दांत क्यों दिखा रहा है? नहीं लगाए क्या? मोटू कहीं का। चले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ए सेठ, इसको टिप मत देना। मेम साहब बड़ी दिलवाली है। अच्छा। बहुत चालू चीज है सेठ, दे दे टिप। ये लो। थैंक यू सर। ए मोटू आधा मेरा है। आइए 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 आप आइए। अय्या कितना बड़ा कमरा है रे। सुना था बड़े बड़े होटल में बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, पर सेठ ये तो कितना बड़ा है। अरे टीवी भी है। तेरा है सेठ? नहीं, होटल का है। आप देखना चाहेंगी? मोबाइल फोन है सेठ? नहीं, ये रिमोट कंट्रोल है। मधुबाला। ओ सेठ, मैं तो भूल ही गई थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों? मूड नहीं है क्या? नहीं, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप उसका डबल पैसा लगेगा सेठ। मैं तो मजाक कर रही थी सेठ। बैठना, अरे बैठना। अभी तेरे से क्या भाव की बात करने का सेठ। जब मैं बाहर जाती है ना बहुत पैसा लेती है, 700-800 रुपए लेती है। लेकिन तू अच्छी जगह लाया, अच्छी तरह बात भी किया, देखने में भी चिकना है। तेरे को तो मैं काटूंगी, 1000 रुपए लूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप 1 हफ्ते का कितना लेगी? 3000। 1 महीने का? मैं तेरे को इतनी अच्छी लगी क्या? तू भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल 1 महीने का 15,000 रुपए दे देना। 1 साल का? 1 साल? अरे बहुत हो जाएगा, इतनी तो गिनती भी नहीं आती मेरे को। 30, 25, 35, 1 लाख हो जाएगा सेठ। 1 लाख। कितना है? 2 लाख। 2 लाख सेठ, इतना पैसा जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी मैं। ए सेठ, कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करेगी मैं। कहीं तू नंगी पिक्चर में तो नहीं काम कराएगा? घबरा मत, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। दिखता है। हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ एक औलाद नहीं है। मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। बच्चा? क्यों? तेरी बीवी को बच्चा नहीं होता क्या? आज नहीं रुक रही तो तुम मेरे पास काहे को आया है रे? क्योंकि मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कॉल कितना देगा? 5 लाख, 10 लाख। हेलो, क्या वो? तुम ठीक हो? 10 लाख, 10 लाख। क्या वो? मैं खाली तेरे को बच्चा देगी और बदले में तू मेरे को 10 लाख रुपए देगा। सेठ मटका लगा के रास्ते पे तो नहीं छोड़ देगा ना? मैं तुम्हें सब पैसे भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, भरोसा है तेरे पे। लेकिन मेरे जैसी रास्ते की छोकरी का बच्चा तू अपनी बीवी की गोद में डालेगा, दुनिया क्या बोलेगी? दुनिया को कुछ मालूम पड़ेगा तो बोलेगी ना। अच्छा, चोरी चोरी। मेरी मेहनत की कमाई, कमाल हो गया है सेठ। आज तक मैं अपने पेट के वास्ते कमाती थी और आज पेट ही मेरे को कमा के देगा। लेकिन एक बात याद रखना सेठ, अपना भी लाइफ में एक ही असूल है, मैं कभी किसी को अपने होठ का चुम्मा नहीं देती। ओके? ओके। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। हेलो प्रिया। हाय, मैं तुम्हारा ही फोन का इंतजार कर रही थी। सुनो, जो लड़की तुम्हें अपना बच्चा देने वाली है वो मुझे मिल गई। Really? हाँ। She must be an angel. वो कितनी भली होगी जो हमारी मदद करने के लिए तैयार होगी। 10 लाख। भली है। लेकिन प्रिया। समझ गई, वो गरीब घर की है, यही ना? प्रिया वो अच्छे कल्चर की हो, हमारे लिए तो यही बहुत है। मेरी मेहनत की कमाई। I love you, Priya. I love you too. Bye. सुनो, कल जाके अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना। ये लो 50,000। और ऐसे कपड़े लाना जिससे बदन ढके। क्यों? तेरे को मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी बॉडी है, लेकिन जरा से ढक के रखो। ठीक है। और घर वालों से कह देना कि तुम 1 साल के लिए मेरे साथ हो। अपन का इस दुनिया में कोई नहीं है, जो भी है तू ही चेहरे। अच्छा, तुम जाके सो जाओ। तो चलना, मैं कब की रेडी है। अरे नहीं, तुम यहाँ सो, मैं वहाँ सोता हूँ। क्या? तुम यहाँ सो, मैं वहाँ सोता हूँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरे 10 लाख जल्दी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मेरे 10 लाख मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, सो जाओ। पता नहीं मेरे 10 लाख कब मिलेंगे। अय्या, एक्सक्यूज मी, ये कितने का है रे? इट्स नॉट मेंट फॉर यू। हिंदी में बोलना। आपके मतलब की चीज नहीं है। काइको, कपड़ा खराब है या रंग कच्चा है? महंगा है, आप नहीं ले सकती। अरे क्या बात करती है तू, देखना पैसा है मेरे पास। चलो बाहर जाओ। अरे बाहर काहे को जाने का, पैसा है ना मेरे पास, कपड़े खरीदने को आई है मैं। एक बार बोला ना आपको, बाहर जाइए प्लीज। गेट आउट। अय्या, साला आग दिखाता है मेरे को। अरे तेरी नाक में रस्सी, फोकटिया समझ रखा है क्या मेरे को? अक्की दुकान खरीद सकती है मैं तेरी, समझा क्या? ना तो हमें दुकान बेचनी है, ना ही सामान। यहाँ सिर्फ शरीफ लोग आते हैं, बाहर जाओ। साला बुढ़ी के बाल, शरीफों के पैसे में क्या गुड़ लगा रहता है क्या? वॉचमैन जी साहब। ए, हाथ नहीं लगाने का मेरे को। रस्ते का माल सस्ते में समझा क्या? साला बुड्ढी के बाल, तेरे को मैं छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठा है और तमीज फेरी वाले की भी नहीं है, साला हलकट। हट हट रे, साला आग दिखाता है मेरे को। हट, छोड़ेगी नहीं मैं साले को। मेरे को धक्का मार के दुकान से निकाला। इंसान नहीं पहचानता, ड्रेस पहचानता है। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या है? कहाँ जा रही है आप? ऊपर। तू कौन होता है पूछने वाला? देखो मैडम, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, आपको किससे मिलना है? अरे मेरा सेठ है ना। कौन सेठ? अरे वो है ना, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला चिकना, कल रात ही को तो मेरे को लेके आया था। उसका रूम भी ऊपर है। रूम नंबर? अभी नंबर वंबर मेरे को मालूम नहीं। वो है ना वो कमरा ऊपर, जहाँ से दरिया दिखता है रे। देखो मैडम, यहाँ बहुत से कमरे हैं जहाँ से दरिया दिखाई देता है। अरे तू चल ना मेरे साथ, मैं दिखाती तेरे को। मैडम आप ऊपर नहीं जा सकती। ए टकले, तू लफा करेला है। मेरे सेठ को पता चलेगा तो तेरी नौकरी खल्लास। मैडम, you will have to get out of the hotel, please. आप जैसी लेडीज हमारे होटल में नहीं आ सकती। Get out, 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 come on, out, out, out. That's all. अरे नहीं, ये मोटू, इधर इधर। मैडम, अरे ये मेरे को जानता है। तू बोलना है सफेद कलिंगड़ को कि तू मेरे को जानता है। तुम इसको जानता है? Yes sir. अरे जाने का कैसे नहीं, ये तो मेरे को ऊपर लाया था। सर ये राज मल्होत्रा के साथ थी। राज मल्होत्रा? एक्सक्यूज मी मैडम, बात यह है कि कल रात को मेरी ड्यूटी नहीं थी, इससे छोटी सी गलती हो गई। आई एम क्वाइट श्योर कि छोटी गलती को आप माफ करेगी। आई एम क्वाइट श्योर कि आप राज साहब को ये बात नहीं बताएगी। अरे कौन राज साहब? राज मल्होत्रा, जिसके साथ आप आई है। अय्या, अपने चिकने का नाम राज मल्होत्रा है। अभी तू भी आएगा क्या मेरे साथ? नहीं। चल ना, तू क्या देख रहा है? मेरा चिकना कहाँ है रे? इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा पहला प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो होगा फूड फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स। हमारे दोस्त अजय शर्मा, हमारे बिजनेस पार्टनर, इस प्रोडक्ट को अपने अमेरिकन कंपनीज के थ्रू वहाँ पे प्रमोट करेंगे और इनको जो भी टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी मैं वहाँ पे आके दे दूँगा। ठीक है मिस्टर सेना? यस सर। मार्केट सर्वे रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। सेठ इधर आना। Excuse me. सेठ, तूने जो मेरे को पैसा दिया था वो दुकानदार वाला बोला मेरे को कि मैं तेरे को उसने मेरे को बोला अब मैं तेरे जैसी लड़की को कपड़े नहीं देगा। तुम ऊपर जा, मैं आता हूँ। नहीं, मैं तेरे साथ खाना खाएगी। तुम ऊपर जाके ऑर्डर करो ना। साला तू लुकों के साथ खाना खा सकता है, मेरे को खाना नहीं खिला सकता। Who is she? I'm sorry, please forgive me. Sorry. It's okay. प्लीज सेना साहब। यस सर। मार्केट सर्वे रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप राज बहुत अच्छे। कौन है ये? दोस्त है। दोस्त तो है लेकिन टाइम पास है क्या? वो अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की तो है लेकिन धंधे वाली है ना? कौन धंधे वाला नहीं है? हा? तू भी धंधे वाला है, मैं भी धंधे वाला हूँ। एवरीबॉडी आपको वहाँ नीचे आने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आपने मुझे आके मीटिंग में डिस्टर्ब किया? तेरे को मेरे पे शर्म आती है तो पहले काहे को नहीं बोला नीचे नहीं आने को? बाथरूम में बंद करके रख देता मेरे को। वो दुकान वाला भी कचरा कर दिया मेरा। बोलते ऐसी वैसी लड़की को कपड़ा नहीं बेचेगा। ऐसा काहे को देख रहा है? मैं अपना गुस्सा खाने पे नहीं निकालती। चाहिए तो जाके लेना। नहीं चाहिए मुझे। कौन दुकान वाला? वो रोड के उस पार वो बड़ी दुकान वाला। क्या बोला? बोला ना तेरे को मेरी इज्जत का बाजीमाला कर दिया और अब तू भी। I'm sorry, मैं भूल गया था कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आई हो। मैं नहीं आई थी, तू मेरे को लेके आया अपनी दुनिया में। छोड़ो से, ये लो। ये पकड़। चलो मेरे साथ। कहाँ? उसी दुकान से कपड़े खरीदने के लिए। मैं नहीं जाएगी वहाँ। मधुबाला, मधुबाला जी, क्या हुआ? आज पहली बार मेरे से किसी ने इतनी इज्जत से बात की। चल ना। चलो आओ। मिस्टर भाटिया का बिल। ओफो, आप यहाँ फिर आ गई? जी मैंने लाया हूँ। राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा? ओह मिस्टर मल्होत्रा, आई कांट बिलीव इट। आप हमारे यहाँ शॉपिंग के लिए आए, ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। मैं शॉपिंग लेने आया हूँ। ये आई है। आपके साथ आई है? श्योर श्योर। अब जैसे ही रीटा सिमा मैडम को अटेंड करो। जी नहीं, आप इन्हें अटेंड करेंगे। ओह श्योर श्योर। आइए मैडम, आइए आइए। चाहिए मैडम? आइए। ये लीजिए मैडम, ये लीजिए। ठंडा पीजिए मैडम, मैं आपके लिए ठंडा लाया हूँ। मैडम आप ये ड्रेसेस देखिए, तब तक मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे शूज और सैंडल का इंतजाम करता हूँ। हाँ कल्पना मैडम के लिए लेके आना। हाँ चल जल्दी जा। यस 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 यस। ये ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये अच्छा लगा आपको? नहीं ये अच्छा, ठीक है। तय तो ये करके आया था सर कि मैं आपकी पूरी दुकान खरीद लूँ, लेकिन आपकी दुकान में ऐसा कुछ है ही नहीं जो इन पे अच्छा लगे। तुमको कुछ अच्छा लगा? चले कोई दूसरी बड़ी दुकान। चलो। सॉरी। भेजा बहुत गर्म होता है तेरा, ठंडा पी ले। हाँ हाँ चलो। बुड्ढी के बाल। अगली बार ऐसी हरकत नहीं करना। जी। अरे रे रे, ये क्या कर रहा है? सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे ये भी देख, ये छोटी बॉटल है सेब। छोटी बोतल लेवर में बहुत बड़ा होल करती है। देखो मधु, मेरी बीवी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या हो। ठीक है, ठीक है। मधु यार, मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? अरे छोड़ना यार, लेडीज टू लेडीज, एक औरत ही दूसरी औरत का दुख समझ सकती है। ठीक बोला ना? बहुत अच्छे, लेकिन जरा प्यार से। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रिया में हम सब कब मिलेगी? कल हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे मिला दूंगा। ओके? और तब तक 25-30 बार जरा प्यार से रिहर्स करना, ठीक है? ओके, प्यार से। एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, ठीक है? अरे बंसी भैया जल्दी जल्दी चलिए ना, तो प्लेन उड़ेगी। चलो जल्दी चलो। जीते रहो, जीते रहो। फोन करते रहना और अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट बेटा, हैव अ गुड फ्लाइट। मैंने ज़्यूरिख के ऑफिस में फोन कर दिया, ड्राइवर तुम लोगों को रिसीव करने आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर ड्राइवर नहीं है तो फोन कर देना, पायलट की तरह। ये ले गंडा, जैसे खुशखबरी हो अपने हाथ पर बांध लेना, ये बच्चे की रक्षा करेगा। जी जीते रहो, जीते रहो, ख्याल रखना। डोंट वरी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर दादा, गॉड ब्लेस। अच्छा बाबू, अगर ध्यान न रखा तो एक फोन मार देना मुझे। जीती रहो बेटी, अपना ख्याल रखना इसका। जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय, हैव अ गुड फ्लाइट, बाय बाय। राज वो कहाँ है? यही कहा था मिलने के लिए। कृपया ध्यान दीजिए। प्रिया, मधु, मधु, यह है प्रिया। हाय हाय, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूँ। एहसान इतना बड़ा है कि थैंक यू भी नहीं कह सकती। इट्स ऑल राइट, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। ये तो मेरे कजन और उसकी वाइफ आ रहे हैं। Welcome to Switzerland, dear sister. How are you? How are you? Hello, Raj. How are you? Nice to meet you. Hello. Hello. ये मधु है, ये हमारे साथ फ्लाइट में आई है, यहीं पर रहती है। अच्छा अच्छा। अरे मजे की बात सुन, कल मैंने यूं ही तुम्हारे डैडी को फोन किया और उन्होंने कहा कि तुम लोग स्विट्जरलैंड आ रहे हो। So I have come to pick you all up and you guys have to stay in my house. Last time तुम लोग हनीमून पे आए थे और मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन इस बार तुम लोगों को हम लोगों के साथ रहना ही पड़ेगा। इस बार भी अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस बंगले से बहुत पास है ना, और ऑफिस में बहुत काम है इस बार मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे का नवरात्रि में मुंडन है और आप दोनों को एक हफ्ते के लिए जरूर हमारे घर पे रहना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टे विद अस। यार चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं मेरी गाड़ी आई। अच्छा गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, आइए प्लीज कम आइए। मधु, ये हमारा घर है, हम लोग यहीं पर रहेंगे। अरे वाह, हिल के बीच में घर। हिल देखी, मैं तो हिल गई, पर देखी पिघल गई। एंड हाउस, हाउस दैट, कम ऑन लेट्स गेट आउट। मास्टर जी, ये सब आपने सिखाया है? कोशिश की थोड़ी सी। कोई बात नहीं, बाकी मैं सिखा दूंगी। आ मधु। कैसा लगा घर? बहुत अच्छा है। ये मेरा कमरा है और ये तुम्हारा। मैम साहब देखो ये कोट अटक गया है। लाओ मैं ऐसे निकाल देती हूँ। देखो तुम मुझे मेम साहब नहीं प्रिया कहा करो। अरे राम राम, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? जैसे मैं तुम्हारा नाम ले सकती हूँ। यहाँ पे कोई साहब नहीं और कोई मेम साहब नहीं। ओके भैया आपके कमरे में इतना बड़ा स्विमिंग पूल, जब चाहे तैर सकते हो। अगर तुम्हें पसंद आ गया हो तो तुम यहाँ रह लो, मैं तुम्हारे कमरे में चली जाऊंगी। ओके ओके मैं अपना सामान लेके आती हूँ। हाँ मधु को ये कमरा पसंद आ गया तो मैंने उसे दे दिया। मैं गेस्ट रूम में रह जाऊंगी। ठीक ही तो है ना, ये कमरा वैसे ही देख चुके हैं। चलो गेस्ट रूम भी देख लेते हैं। चलो ऐसे नहीं, जिस तरह से मैं तुम्हें इस कमरे में लेके आया था उसी तरह से मैं तुम्हें गेस्ट रूम में लेके जाऊंगा। ये मेरा कमरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कमरा वो है, मुझे मालूम है, लेकिन मेरी बीवी यहाँ है। हा? तुम मेरी हो ना? तो फिर भाजी, बनिया का सामान, कपड़े, चप्पल सब एक ही दुकान में। हाँ मधु तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले लेना। हाँ हाँ Attention please. Since there is a weather forecast of heavy snowfall this evening, we will be closing the shop in half an hour. सुनो मधु, अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ हैवी स्नोफॉल होने वाला है और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। थोड़ी देर में हमें राज पिकअप करने आ रहा है, तुम्हें काम करना है। समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? साल भर के खाने का सामान ले ली क्या? प्रिया कहाँ है? अभी शॉपिंग करी है? नहीं, वो तो एक घंटा पहले यहाँ से चली गई। क्या? उसे मालूम नहीं यहाँ स्नोस्टॉर्म आने वाला है? मालूम है, उसे घर के पास से कुछ सामान खरीदना था ना, इसलिए चली गई। अब तक तो घर भी पहुँच गई होगी। चलो ट्रॉलियों पर रख देना। चलो मैं करता हूँ। वहाँ से, उस साइड से। Hello? Vahenge and Asset. Do you speak English? Yes, sir. Yeah. Could you tell me if there's an Indian girl in your store? Her name is Priya. Sorry, sir. The shop is closed. There is no customer. All right, thank you. Welcome. Madhu, phone baj raha hai. Hello? हाँ प्रिया, कहाँ हो तुम? चर्च में। अच्छा तुम वहीं पर रुकना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम कैसे आ सकते हो? स्नोफॉल की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जैसे रास्ते क्लियर हो जाएंगे मैं आ जाऊंगी। रास्ते तुमने बंद किए। ऐसे ही समझ लो, अगर तुम दोनों तन्हा नहीं होंगे तो हम दोनों की जिंदगी की तन्हाई कैसे दूर होगी। सॉरी, मैंने कोका कोला में थोड़ा वोडका मिला दिया था। बाहर ठंडी तरह ज्यादा हो गई है ना, इसलिए। Congratulations. Good news. She's expecting. Congratulations. प्रिया, तुम माँ बन गई। ये माँ बन गई? 10 लाख। 10 लाख? मुबारक हो राज, मुबारक हो। बहू को हमारी तरफ से आशीर्वाद देना। हाँ, और देखो तुम पहली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि प्रिया को लंबी फ्लाइट लेना अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है तुम नहीं आना, बिल्कुल बहू को लेकर मत आना, लेकिन बहू का वहाँ ख्याल रखना। अरे ये क्या हो रहा है? ये लो अपनी माँ के साथ बात करो। राज बेटे। हाँ माँ। बधाई हो, जीते रहो, मेरी उम्र भी तुझे भगवान दे दे। बहू को फोन देना। नहीं दूंगा। एक सेकेंड। हेलो। जीती रहो बेटी, खुश रहो। देखो कोई भारी सामान बिल्कुल मत उठाना। जी जी। और वो पूजा के फूल के मैंने गन्ना तुम्हें दिया है, उसे कलाई पे बांध देना, मैं हाथ पे बांध देना। ओके माँ। हेलो। अरे कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं नहीं बिल्कुल, जो भी डॉक्टर कहेगा वैसे ही करना। ठीक है। और बहू का ख्याल रखना। जी ओके। हाँ ओके बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बाय। अरे बधाई। क्या फोन रख दिया यार। हर नए आदमी को गलतफहमी हो जाती है। तुम्हारे ससुराल में कितना मजा आता होगा ना, कब सुबह हुई कब शाम पता ही नहीं चलता होगा। पहले तो ऐसे ही था, लेकिन जब से मेरे साथ, लेकिन वो दिन फिर से आ जाएंगे। थैंक्स टू यू। मुबारक हो राज, हमारी कंपनी ने 10 मिलियन का सेल क्रॉस कर लिया है। ये तो कुछ भी नहीं है, 10 मिलियन से ज्यादा क्रॉस करेगा। 100 बिलियन। या हाय अजय। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये मेरी दोस्त है मधु। हाय। अनीस अजय, राज के दोस्त और बिजनेस पार्टनर। हेलो। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, today I stand here in front of you to launch a new product of my company, our company. It's called Cosmetics of India, and the person who's gonna launch this product for us today is a very important person in my life. Ahmadu. हाँ मधु, तुम ही हमारी वीआईपी हो। कम ऑन, प्लीज कम। थैंक्स, थैंक यू। एसिड, इधर आना। Alright, you guys having a good time? Congratulations. Priya! Hey Raj, Vicky bhai aa gaye. Excuse me. Congratulations Priya, congratulations. Congratulations Raj. Thank you. अरे भैया, भाभी नहीं आई? अरे परसों मेरे मुन्ने का मुंडन है ना, इसलिए वो बिजी है वहाँ, लेकिन मैं तो आया हूँ और मैं आप लोगों को ये याद दिलाने आया हूँ कि परसों आप दोनों को मेरे बेटे के मुंडन में जरूर आना है। ओके। हेलो। हाय। मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। कमाल है, कितना चेंज आ गया है। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक धंधे वाली हो। तुम्हें किसने बताया? मेरे और राज के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहती। अच्छी चीज का मैं भी कदरदान हूं। माल अच्छा हो तो पैसे की फिक्र नहीं करता। जैसे ही राज से फुर्सत मिल जाए तो आ जाना। जितना पैसा राज दे रहा है उससे डबल दूंगा। ओके। ओके। एक्सक्यूज मी, कैच यू लेटर। तुम पार्टी छोड़ के यहाँ क्यों चली गई? मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? तुम अमीर लोग सब एक जैसे होते हो, अपने मतलब के लिए क्या क्या खेल खेलते हो। पहले मुझे इतनी इज्जत देके आसमान पे बिठा दिया और फिर एक ही झटके में जमीन पे लाके गिरा दिया। अरे तुम्हें बच्चा ही चाहिए था ना, तो वो तुम्हें सड़क पे भी पैदा करके दे सकती थी। क्या जरूरत थी मुझे अपनी सोसाइटी के लायक बनाने की, जब तुम्हें अपने दोस्तों से यही कहना था कि मैं धंधे वाली हूँ। इतना चीप तो मुझे तब भी नहीं लगा जब मैं धंधा करती थी, जितना कि आज लग रहा है। क्या अजय ने तुमसे कुछ कहा? मधु, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन बॉम्बे की कॉन्फ्रेंस में जब तुम आई थी मधु। अरे मधु, कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जांच नहीं कर सकती। मधु, राज और मैं तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे वेल विशेस हैं। हम लोग कभी तुम्हें ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखे। तुम्हें डांस करना है ना? आओ। नहीं, मुझे कोई डांस नहीं करना। इंसान जिसे अपना समझता है ना, उसको छोटी सी बात भी दिल पे लग जाती है। प्रिया, मैंने तुम्हें मधु के बारे में एक बात नहीं बताई। मैं जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया है। तुमने अच्छा ही किया कि ये बात तुमने पहले मुझे नहीं बताई। हो सकता है कि ये बात जानने के बाद उस वक्त मैं मधु को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए मधु से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी, है ना? मधु कैसी है? मैं अभी उसके रूम से आ रही हूँ। वो अब तक नाराज है। अगर हम दोनों उसे अकेला छोड़ के मुंडन के लिए चले गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो जाना कैंसिल कर देते हैं? नहीं, तो विकी भैया बुरा मान जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ मुंडन में, तुम यहाँ रह जाओ और मैं कुछ बहाना कर दूंगी कि तुम बिजनेस के लिए नहीं आ सके। ठीक है, जाके सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। चलो। ये लो, जूस पी लो। सिगरेट तुम्हारे सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। देखो मधु, मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो, लेकिन जब तुम बम्बई की कॉन्फ्रेंस में आई थी, जिस तरह के तुमने कपड़े पहने थे, जैसे तुमने बिहेव किया, वो अजय भी वहीं पे मौजूद था। जब ये बात मैंने अपनी बीवी प्रिया को नहीं बताई, तो अजय को क्यों बताऊंगा? इसके बाद भी ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई। I'm sorry। पी लो सिगरेट। हाय, नहा रही थी? राज घर पे नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, राज ऑफिस गया है और लेट आने वाला है। और प्रिया भी घर पर नहीं है, अपने कजिन के यहाँ गई है, इसलिए तो आया हूँ। जब से मैंने तुम्हें पार्टी में देखा है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मौका मिलते ही यहाँ आ गया। दुनिया की हर किस्म की लड़कियों के साथ मैंने ऐश की है, लेकिन जो बात तुम्हें है वो किसी में नहीं। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। हाँ, समझ गया। तुम राज के कॉन्ट्रैक्ट में हो, इसलिए तुम्हें टेंशन है। मेरे और उसके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि बचपन का दोस्त भी है, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम नाउ। 2 टके की धंधे वाली, तूने मुझ पर हाथ उठाया। चलो उठ इधर। बहुत शरीफ बनती है तू, क्यों? तेरी शराफत अभी निकालता हूं मैं। राज, मैंने सोचा था कि क्या सोचा? रेप करेगा? रेप करेगा? हाँ? क्या कर रहा है राज तू? रेप करेगा? मेरी बात तो सुन राज। रेप करेगा? राज, राज, राज मेरी बात तो सुन। राज मेरी, राज क्या कर रहा है तू? एक 2 टके की धंधे वाली के लिए तू मुझ पर हाथ उठा रहा है। ये तुझे 2 करोड़ की धंधे वाली दिखाई दी थी? मुझे तो नहीं दिखाई दी। तुझे कैसे दिखाई दी? तुझे कैसे दिखाई दी? कैसे दिखाई दी तुझे? राज, ऐसी लड़की के लिए तू अपने बचपन के दोस्त पर हाथ उठा रहा है। बचपन का दोस्त, बचपन का दोस्त। मेरा भाई भी होता ना, तब भी मैं तुझे जान से मार देता, समझा? इसके लिए अपने 500 करोड़ की पार्टनरशिप को लात मार रहा है तू। इसके लिए 500 करोड़ क्या, पूरी दुनिया की दौलत को भी ना ठुकरा दूंगा, समझा? मालूम क्यों? क्योंकि शी इज प्राइसलेस फॉर मी। तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए तू यहां से निकल, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? अच्छा, क्या सोच रही थी? अपना बचपन याद कर रही थी, जब मैं छोटी थी ना, मेरी माँ हमेशा मुझे कहानी सुनाया करती थी कि एक गरीब लड़की थी, एक दिन उसके पास सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आया और उसे अपनी दुल्हन बना के ले गया और फिर उसके सारे सपने पूरे हो गए। मैं भी सोते जागते यही सपना देखा करती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे लिए सफेद घोड़े तो नहीं, लेकिन बहुत सारी सफेद गाड़ियां आई, उनमें से बहुत सारे राजकुमार भी उतरे, लेकिन कोई मुझे ले जाने नहीं आया, सब मुझे खरीदने आए। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बचपन में बच्चों के लिए एक परी कथा थी, असली में ऐसे थोड़ी होता है। थैंक यू वेरी मच। राज और प्रिया तो हमें देखकर चक्कर खा जाएंगे, देखना। ए छोटू, जल्दी से सामान नीचे उतार, चल। अरे बंसी जी, इतना सामान मैं कैसे उठाऊंगा? आओ मेरे साथ। प्रिया, हाँ? दादाजी पूरी फैमिली को लेके आ गए। क्या? हाँ। वो तुम्हारी फैमिली है? हाँ। प्रिया गड़बड़ हो जाएगी, वो सोचते कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओह गॉड। एक सेकंड। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये? अच्छा हाँ, सुनो सुनो, ये ठीक है। ये घंटा भी तुम पहनना। लेकिन इसमें तो पूजा के हाँ, फूल मुझे मालूम है, इसमें पूजा के फूल है। पूजा के फूल निकाल के इसको देना और तुम घंटा पहनना। हाँ, हाँ? बहू, हम आ गए। अरे खुशी से फूले नहीं समाओगे। अरे राज बेटा, माँ, दादाजी, जीते रहो जीते रहो। How are you बेटा? Good to see you, good to see you. सरप्राइज किया ना? पाप्स। जीते रहो बेटे, जीते रहो। This is not fair. Why? बिना खबर की आप लोग ऐसे ही पहुँच गए? Surprise, surprise. भाई हम लोग प्रिया को देखे बगैर नहीं रह सकते थे, हम आ गए। अरे लेकिन प्रिया कहाँ है? तकिया बांध रही है। तकिया बांध रही है? तकिया बांध रही है? हाँ। क्या सुना आपने? क्या बोला तुमने? कपड़े बदल रही है। भाई मैं तो फिर इसकी प्रिया। आओ मेरी बच्ची आओ। तेरी बना मामा। जी सीरा, दुनिया भर की खुशियाँ दे दी हमें। नहीं नहीं बेटा, झुकना नहीं। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। ठहरो, मैं तुम्हारी नजर उतार दूँ। ओह दादाजी। कैसी हो बेटा? कैसे आप पप्पू? हाय मामा जी। कैसी हो प्रिया बेटी? मैंने कहा था ना, भगवान ने चाहा तो साल भर में तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी, है ना? क्या मम्मा, आप लोग ने भी ऐसा क्या सरप्राइज दे दिया मुझे? राज को पहले बता देती, उन्हें वो तुमको एयरपोर्ट लेने आ जाती। अरे मैं तो कब से, लेकिन बाबूजी ने कहा बच्चों से परेशान नहीं करना, मना कर दिया। इसमें परेशानी की क्या बात है, हम तो सरप्राइज देने आए हैं। क्या हुआ? ये मेरी दोस्त की बीवी है, मधु। इसके हस्बैंड अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, इसके घर में कोई नहीं है, इसलिए हमारे साथ रहती है। अच्छा अच्छा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटी, ऐसे वक्त में ना अकेले नहीं रहना चाहिए। आओ इधर आओ, आओ ना। मेरी बहना, खुश रहो जीती रहो। मैं प्रिया की सास हूँ। मुझे मालूम है, प्रिया मुझे रोज आप सबकी बातें बताती है। आप मामी जी हो, आप मामा जी, और आप पप्पू भैया, और आप दादाजी। पैरी पैरी। अरे झुकना नहीं, जीती रहो बेटा जीती रहो। और आप पापा जी। दादाजी, आप मेरी नजर नहीं उतारेंगे। अरे क्यों नहीं बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। की बात नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ऊटी में क्यों रहते हैं? ताकि वहाँ के लोगों में वो गोरा दिखाई दे। दादाजी बिस्किट। थैंक यू। मधु बेटा, तुम्हारा पति क्या बिजनेस करता है? जी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ दादाजी, इसलिए कभी यूके, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, हमेशा भारी रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई कुछ भी हो, बिजनेस तो चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे समय में पति को पत्नी के पास ही होना चाहिए। कोई बात नहीं बहू, जैसे हम अपनी प्रिया की देखभाल करेंगे वैसे ही इसकी भी देखभाल करेंगे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, कीजे शिशु लीला ति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ये सुनकर भगवान विष्णु बालक बनकर रोने लगे और उनका वो प्यारा सा रूप देखकर माता कौशल्या की आंखों से खुशी और ममता के आंसू बहने लगे। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन अगर गर्भवती माँ सुनती है तो उसके बच्चे को भी अच्छा लगता है। तुम जरा महसूस करके देखना, कोई न कोई हरकत अंदर जरूर हो रही होगी। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जन धाई दा। अरे मधु बेटी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आके बैठो। आओ आओ बैठो। हाँ तो सुनो, भगवान श्री राम के जन्म के समय पिता दशरथ की क्या हालत थी? क्योंकि जितनी खुशी बच्चे के होने के समय माँ को होती है, उससे दुगनी पिता को होती है। तू क्या सोच रही है बेटी? यही ना कि तेरा पति तेरे साथ नहीं है। इसमें जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन वो हर समय तेरे और तेरे बच्चे के बारे में ही सोचता होगा। हाँ तो तुलसीदास जी ने कहा, काम कोटि छवि साम सरीरा। प्रिया, प्रिया बेटी। जी माँ। बेटी वो सौंठ के लड्डू है, याद है? मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ तेरे लिए, ले खा ले। शाबाश। हाँ मधु बेट, माँ मेरे लिए दिल्ली से सौंठ के लड्डू लाई है, इसे खाएगी ना तो बहुत फायदा होगा। खा। तीखा है ना? लास्ट जब मैं एक्सपेक्ट करी थी ना तो मुझे भी बहुत तीखे लगते थे, इसलिए माँ मुझे अपने सामने बिठाकर जबरदस्ती खिलाती थी। एक और खाएगी? अरे मारी कहना नहीं, मेरे लड्डू खिलाए। मधु जी। माँ जी। अरे तुम यहाँ हो, और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। मैं दादाजी के पास बैठी थी। क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं रोने वाली पिक्चर देख रही थी ना, इसीलिए रो पड़ी। चल तो मेरे साथ, चल बैठ आराम से आराम से। मधु बेटी, ये है ना, ये सौंठ के लड्डू हैं, इसे खाने से बच्चे को और माँ को दोनों को बहुत फायदा होता है। चल खा ले। नहीं नहीं माँ जी, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं बाद में नहीं, तुझे मेरे सामने खाना होगा वरना तू रख देगी। नहीं नहीं माँ जी, तीखा होता है ना इसलिए मैं जानती हूँ। चल मुकुल। नहीं माँ जी, माँ जी मैं। शाबाश शाबाश बच्ची मेरी, मुकुल 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 मुकुल, शाबाश शाबाश, ठीक है ना? शाबाश। अरे मधु बेटी, तुम्हारे पैरों में तो बहुत सूजन है। जी मैंने डॉक्टर से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होता है। ऐसा होता जरूर है, लेकिन ज्यादा सूजन अच्छी बात नहीं। मैं तेरे पैरों में ना 7 बूटी वाला तेल लगा देती हूँ, उससे सूजन कम हो जाती है। बंसी जी, माँ जी। वो 7 बूटी वाला तेल तो लाना। अभी बस रख दो। जी ला बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे पाँव को हाथ लगाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे तो अच्छा लगेगा। जिसे जुबान से बेटी कह दिया, उसे मन से बेटी मान भी लिया। तू मेरी बेटी है ना। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है बेटी? मेरा कोई नहीं है माँ जी। इंडिया में तो होगा ना? दुनिया में नहीं है। आज के बाद फिर कभी मत कहना कि मेरा कोई नहीं है। अब से ये सारा परिवार तुम्हारा है। हेलो, नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, एक मिनट दादाजी। हाँ बेटा, पंडित जी का फोन है दिल्ली से। हेलो, हाँ पंडित जी नमस्कार। किसका फोन? हाँ, क्या बोल रहे हैं? पता नहीं। ठीक है आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। आप तैयारी कीजिए। हाँ अच्छा, किसकी तैयारी दादाजी? राज, पंडित जी ने प्रिया की गोद भराई की रस्म के लिए 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है। अरे मुबारक हो। हम कल ही दिल्ली जाएंगे। अच्छा रंजीत, अरे बहू। राज, हम इंडिया कैसे वापस जा सकते हैं? मधु भी तो हमारे साथ होनी चाहिए ना? क्योंकि प्रिया की गोद भराई की रस्म 18 तारीख की फिक्स हो गई है। वाह। तुम राज के साथ ऑफिस चले जाओ और फॉरेन बोर्ड की मीटिंग बुलाकर सबको समझा। जी दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता क्या पंडित जी को यहीं पे बुला लें और यहीं पे गोद भराई की रस्म कर लें? क्यों? क्योंकि प्रिया की डिलीवरी की डेट इसी महीने है और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत चाहिए। अरे फैसिलिटी क्या बात कर रहे हो? एक फोन मार के सारी फैसिलिटीज मैं दिल्ली ट्रांसफर करा दूंगा। यहाँ के फैसिलिटी मिनिस्टर का नंबर क्या है? अरे यहाँ पर मिनिस्टर की फैसिलिटी ही नहीं है। अच्छा, इससे तो अच्छा बिहार है। राज बेटा, सारी मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली में मिल जाएंगी। और गोद भराई की रस्म तो वहाँ की जाती है जहाँ दोस्त हो, रिश्तेदार हो। यू राइट माँ, हम सब इंडिया चलते हैं। मधु, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी की डेट और प्रिया की डिलीवरी की डेट एक ही दिन पे। लेकिन हम सब इंडिया जा रहे हैं गोद भराई की रस्म के लिए और मैं दादाजी की बात कभी टाल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे हॉस्पिटल की बुकिंग्स वगैरह मैं सब कर दूंगा और जब भी तुम्हें लेबर पेन हो तुम खुद चले जाना। इतना मैनेज कर लेना प्लीज़। अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? ऐसी हालत में वो बेचारी अकेली कैसे जाएगी अस्पताल? दादाजी, इसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना? कौन है इसके साथ? और ये इंडिया भी तो नहीं चल सकती हमारे साथ। क्यों नहीं चल सकती? तुमने इसके हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि नहीं? जी किया तो था। सब लोग सुन लो, ये मेरा फैसला है कि मधु हमारे साथ दिल्ली जाएगी। क्यों बेटा, तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? वो मेरे पापा और वो मेरे भैया भाभी। ये लोग क्या लेके आए हैं? शगुन। गोद भराई की रस्म में होने वाली माँ महके के ही कपड़े पहनती है। अरे वाह, ये रस्म इतनी बड़ी होती है। आई 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 पप्पू, जरा बात सुन। वो पंडित जी चावल मांग रहे, जरा इंतजाम कर दे। फूड मिनिस्टर को फोन करो, कितनी बोरियां चाहिए आपको बताइए। ओहो हे भगवान, 2 मुट्ठी चावल के लिए तो मिनिस्ट्री में फोन करेगा। किचन से ला, किचन से ला। ओके आई आई। एक्सक्यूज मी, क्या आपने भाटिया अंकल को कहीं देखा है? देखा तो नहीं, क्यों क्या बात है? क्या आप मेरी नकल उतार रहे हैं? नहीं, ये मेरे बचपन की आदत है। आपकी माँ फतेहपुर के लाल बंगले में आया जाया तो नहीं करती थी ना? फतेहपुर के लाल बंगले में मेरी माँ कभी नहीं गई। बापू अक्सर जाया करते थे वहाँ। बापू हमेशा कहा करते थे कि बेटा तेरी को एक बहन है। बापू। प्रिया, तेरे शगुन का जोड़ा आ गया है, अब जल्दी से तैयार हो जा। माँ जी, अब नीचे चलिए, मैं प्रिया को तैयार करके लाती हूँ। नहीं बेटी, तुम नीचे नहीं आ सकती। देखो, मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी भी गोद भराई की रस्म मैं प्रिया के साथ करूँ, लेकिन पंडित जी ने कहा कि 2 गर्भवती एक साथ इस फंक्शन में नहीं शामिल हो सकती। ठीक है माँ जी। और प्रिया बेटी, आज बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे 16 श्रृंगार करना। जी। औरत की जिंदगी में ये गोद भराई की रस्म बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि औरत के एक नहीं 3 जन्म होते हैं। पहला, जब वो किसी की बेटी बनकर इस दुनिया में आती है। दूसरा, जब वो किसी की पत्नी बनती है। और तीसरा, जब वो माँ बनती है। और माँ बनने से पहले ये गोद भराई की रस्म इसलिए की जाती है कि आने वाले बच्चे को इतने आशीर्वाद और दुआएं मिल जाएं कि उसका जन्म तकलीफ के साथ नहीं, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ। अब तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, रस्म का वक्त हो रहा है बेटी। अरे राज तुम यहाँ, अब प्रिया को बातों में लगाकर मत रखना, इसे तैयार होकर नीचे आना है। अच्छा राज, मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकती। क्यों? माँ ने कहा ये कोई मामूली रस्म नहीं है, ये पूजा प्रार्थना इसलिए है कि आशीर्वाद दुआएं हमारे बच्चे को मिले। इस रस्म में मेरी जगह मधु को बैठना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मधु मेरा दुल्हन का जोड़ा पहन ले तो घूंघट तो रहेगा ही ना, और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो मधु है। प्लीज राज। शकुन का जोड़ा पहन लोगी? ठीक है। थैंक यू। भाभी जी, जरा देख कर आओ ना, प्रिया रेडी हुई कि नहीं हुई। ले आओ जल्दी से। जी दीदी। मामी मैं देख आता हूँ। मामी देखे देखा। अच्छा भाई तुझे लिया। कौन? हाँ मैं। मधु रेडी हो गई? हाँ रेडी हो गई। ओह माय गॉड लड़कियाँ। अरे मैं तो मंगलसूत्र पहना नहीं। मैं पहना लेता हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं उस तरफ चली जाती हूँ। करे तेरा बच्चा जुग जुग जिए, और जैसे सूरज सारी दुनिया को रोशन करता है, तेरा बच्चा मेरे वंश का नाम रोशन करे। भगवान करे तुम्हारे बच्चे को मेरी उम्र लग जाए और वो तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाए कि उसके सामने दुनिया की सारी खुशियां फीकी पड़ जाए। प्रिया, तेरे हाथों में मेहंदी का रंग कितना गहरा है, इसका मतलब है राज तुझसे बहुत प्यार करता है। आज फंक्शन अच्छा रहा? बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छा क्या था? बाबूजी का डांस। क्या बोलती हो? क्या तूफानी हवा चल रही है? मैं इन खिड़कियों को बंद करवा देती हूँ। देखो रात भी बहुत हो गई बेटे, तुम जाकर सो जाओ। अच्छी तरह उठकर जीती रहो। बंसी मधु 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 तुम? इस बच्चे की मां प्रिया मल्होत्रा नहीं है, मैं हूँ। ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। मधु ऐसा मत कहो, 9 महीने मैंने इस बच्चे के जन्म के लिए तपस्या की है। हर रोज इस बच्चे के लिए एक नया सपना देखा है। इस समय मैं और राज ही नहीं, हमारा पूरा परिवार एक एक दिन गिनकर इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है। इसके साथ हमारी पूरी खुशियाँ जुड़ी है। मधु मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी। मधु मेरी तरह तुम में कोई कमी नहीं है। तुम शादी कर सकती हो, फिर से माँ बन सकती हो, लेकिन मैं तो अधूरी हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मधु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बच्चा दे दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। रुपया, पैसा, जायदाद, तुम्हें क्या चाहिए बोलो मधु, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो? आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। मैं समझती थी कि वैश्या भी एक औरत होती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि एक वैश्या कभी किसी का भला नहीं कर सकती, वो सिर्फ घरों को तोड़ सकती है। मैंने तुमसे तुम्हारा पति मांगा, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। तुम तो एक माँ से उसकी औलाद मांग रही हो। माँ चाहे वैश्या हो या किसी घर की बहू, माँ सिर्फ माँ होती है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। राज, वो हमारा बच्चा देने से मना कर रही है। अरे प्रिया, प्लीज उसकी हालत तो देखो। मधु, डॉक्टर दादा को फोन करो जल्दी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मधु की स्कैनिंग हो रही है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। माँ का फोन है। हाँ माँ। अरे तुम, प्रिया, मधु तीनों घर में नहीं हो? कहाँ हो तुम सब? माँ हम लोग अस्पताल में हैं। मधु और प्रिया को लेबर पेन शुरू हो गए थे तो मैं यहाँ पे ले आया। क्या? मैं ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ। हम सब हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। अच्छा? नहीं माँ, नहीं, आप लोग आराम से आइए, ठीक है? डॉक्टर दादा मेरे साथ हैं। ओफो, मैं बस आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। कम। पेट में बच्चा घूम गया है, इसलिए वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है। फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, गो अहेड। लेकिन कंडीशन इज सीरियस। मैं इस ऑपरेशन में माँ या बच्चा दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकती हूँ। हमें जल्दी डिसीजन लेना होगा। डॉक्टर, आप माँ को बचाइए, माँ को बचाइए, माँ को बचाइए। इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी कीजिए। यस। नर्स, मिस्टर राज के सिग्नेचर लीजिए। कम ऑन नर्स, इनको अंदर लेके चलो, संभाल के। गुड न्यूज़, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। ऑपरेशन कामयाब रहा, बच्चा और मधु दोनों सही सलामत हैं। मुबारक हो, लड़का हुआ है। तुम माँ को बचाना चाहती थी ना, माँ भी बच गई और तुम्हारा बच्चा भी। मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, खुद गर्ज हो गई थी। इस बच्चे की माँ तुम ही हो, ये तुम्हारा ही है। देख मैं तेरा परदादा हूँ। अरे हाँ, हमारी मधु को क्या हुआ, लड़का या लड़की? उस बेचारी का तो बच्चा पैदा होते ही ना। बेटी दिल छोटा मत कर, समझना वो तेरा था ही नहीं। हमारी प्रिया के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुमने देखा 1 साल में भगवान ने उसकी गोद भर दी। हाँ बेटी, जाओ मधु, मैं घर वालों को सच्चाई बता देती हूँ। जब 2 भाई एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रह सकते हैं, तो 2 बहनें क्यों नहीं रह सकती? मुझे यहाँ पूरा परिवार मिला है, सिर्फ एक बहन की कमी थी, आज वो भी मिल गई। इस बहन को बहन ही रहने दो, सौतन मत बनाओ, नहीं तो कभी कोई औरत किसी दूसरी औरत पे यकीन नहीं करेगी। इस परिवार पे और राज पे सिर्फ तुम्हारा हक है, मेरा हक तो उन यादों पे है जो मुझे यहाँ मिली। मैं यहाँ एक बेटी बनी, दुल्हन बनी और एक माँ, और मुझे क्या चाहिए? मधु, तुम्हें चेक इन कर दिया है, ये तुम्हारा बोर्डिंग पास, तुम्हारे बैग्स लगेज में दलवा दिए, इसमें तुम्हारे नए घर की चाबियां हैं और कुछ ब्लैंक चेक्स तुम्हारे नाम। जो तुमने मेरे लिए प्रिया के लिए किया है, उसके लिए अगर मैं अपनी पूरी दौलत भी दे दूं तब भी कम है। बस ये समझ लो कि ये मेरी और प्रिया की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मैंने तो तोहफा ले लिया, ये देखो मैं अपनी पूरी फैमिली अपने साथ लेके जा रही हूँ। इसके सिवा मैंने कुछ भी लिया तो ऐसा लगेगा कि एक माँ ने अपने बच्चे की कीमत ले ली। लेकिन मधु, तुम, मैं अब उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी जहां से तुम मुझे लाए थे। तुमने एक बार मुझे छू लिया, अब और कोई नहीं छू सकता।